पढ़ने वाले हैं क्रॉप कल्टीवेशन ऑफ मखाना, जिसमें हम ट्रेडिशनल सिस्टम, फॉन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, देन आफ्टर जो उसका एडवांस सिस्टम है फील्ड सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। फॉक्सनर जो कि आपका कल्टीवेशन जो है वाटर बॉडीज या पॉन्ड में हम करते हैं, ठीक है, और उसके लिए जो वाटर डेप्थ की जरूरत पड़ती है जनरली 1.2 से 1.8 मीटर, या आप कह सकते हो कि 0.3 से 0.6 मीटर शैलो जो आपका एग्रीकल्चर फील्ड है जहां पे आप एग्रीकल्चर क्रॉप उगाते हो उसमें भी आप कर सकते हो। उस केस में जहां पे एग्रीकल्चर फील्ड है तो उसमें अगर उसकी डेप्थ जो होनी चाहिए 0.3 से 0.6 मीटर के अराउंड होनी चाहिए। पॉन्ड वगैरह जैसा वाटर बॉडीज है तो उस केस में वाटर डेप्थ लगभग 1.2 से 1.8 के अराउंड होना चाहिए, ठीक है। पॉन्ड सिस्टम जो है एक्चुअली, जस्ट अ सेकेंड, पॉन्ड सिस्टम जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है आपका जो मखाना कल्टीवेशन का। इन वाटर बॉडीज सीड शोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। इस केस में अगर हम पुराना पॉन्ड सिस्टम जिसमें ऑलरेडी मखाना कल्चर हम कर रहे होते हैं तो उसमें सीड को बोने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि जो लेफ्ट ओवर जो सीड्स रह जाते हैं जब आप उसको हार्वेस्ट करके निकालोगे तो सारे सारे नहीं होते, कुछ सीड्स जो होते हैं लेफ्ट ओवर रह जाते हैं, ठीक है, और वो जो है फर्दर जो है आपका नेक्स्ट सीजन के लिए वो क्रॉपिंग के तरह वो सीडलिंग के तरह एक अंडर पॉन्ड कंडीशन एक स्टेक या ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीट वन ईयर। जब हम मखाना का पॉन्ड कल्टीवेशन करते हैं तो उस दौरान कम्प्लीटली एक साल लग जाता है, और उस दौरान क्या होता है उस पॉन्ड में हम कोई और अदर क्रॉप का जो है किसी और तरह का क्रॉप हम ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है, ये एक तरह का डिसएडवांटेज हो गया। नाउ फील्ड सिस्टम, ये थोड़ा एडवांस सिस्टम है। दिस मेथोडोलॉजी ऑफ फॉक्स नट कल्टिवेशन इन एग्रीकल्चर फील्ड, जनरली जिसमें हम एग्रीकल्चर वगैरह जो एग्रीकल्चर क्रॉप जो है उसमें कल्टिवेट करते हैं, तो वैसे फील्ड में हम फॉक्स नट का कल्टिवेशन कर सकते हैं। और ये मेथोडोलॉजी जो है सबसे पहले जो है स्टैंडर्डाइज की गई थी ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स जो ईस्टर्न रीजन में है, उन्होंने ये जो है मेथड को स्टैंडर्डाइज किया था, और उन्होंने बताया था कि इसके लिए जिसमें हम एग्रीकल्चर फील्ड का यूज कर रहे हैं मखाना कल्टिवेशन के लिए, उस केस में आपका जो डेप्थ रिक्वायरमेंट है दैट इज 0.3 टू 0.6 मीटर, ठीक है। दिस सिस्टम इज वेरी इजी टू ऑपरेट कंपेयर टू द पॉन्ड सिस्टम एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कल्टिवेट सीडल्स। आपको क्या है कि उसमें पूरे एक साल लग जा रहे हैं, उसमें अनदर कोई क्रॉप आप ग्रो नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर फील्ड में क्या है, अगर उसमें आप करते हैं फील्ड सिस्टम में तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप सीरियल वगैरह जो होते हैं या फॉडर क्रॉप्स वगैरह है जो आप चारा वगैरह देते हैं उस तरह के, जो गाय के चारा के लिए जो आपके जिस तरह के क्रॉप्स की जरूरत होती है उसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसी लैंड में, ठीक है, सेम ईयर में आप उसको कल्टिवेट कर सकते हो। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ मखाना आप कर रहे हैं, इसके साथ साथ में आप वो अदर क्रॉप जो है वो कर पा रहे हो। इट रेजेस द क्रॉप इंटेंसिटी, बल्कि ये और जाकर के उसकी क्रॉप इंटेंसिटी को और इंक्रीज करती है 200 to 300%। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पॉन्ड कल्चर अगर मखाना करते हैं तो उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स है, और फील्ड सिस्टम में अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या फायदे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक, ये है इकोनॉमिक ऑफ मखाना फिश कल्चर जो कि मैंने साइट किया है, इन्हों वर्मा और उनके कुछ ग्रुप्स ने, साइंटिस्ट के ग्रुप में 2008 में लगभग इन्होंने स्टडी किया था और ये इनपुट दिया था कि अगर हम इसमें जो है आपका इस फिगर में आप देख सकते हैं टोटल इनपुट कॉस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल पॉन्ड, इन्होंने कंपेयर किया था एक्सपेरिमेंटल पॉन्ड लेकर के और कंट्रोल पॉन्ड लेकर के कि अगर करते हैं तो क्या डिफरेंसेस आते हैं, कितने बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। आइटम एक्सपेरिमेंटल पॉन्ड, इधर आप कंट्रोल पॉन्ड, नंबर कितने नंबर्स एंड कॉस्ट दोनों मेंशन है। लीज ऑफ द पॉन्ड, दोनों मान लो एक्सपेरिमेंटल पॉन्ड और कंट्रोल पॉन्ड को उन्होंने एक एक साल के लिए लीज पे लिया, दोनों का कॉस्ट लगभग 1000 रुपीज के हिसाब से आया। लेबर चार्जेस 90, एक्सपेरिमेंटल पॉन्ड में जो है थोड़ा ज्यादा लेबर्स की जरूरत पड़ी, कंट्रोल पॉन्ड में 68 की लगभग लेबर्स चार्जेस, तो उस हिसाब से इसके रेट दिए हुए 7,034। फिंगरलिंग्स जो है आपका लगभग दोनों में सेम स्टॉक किया गया, 1400 स्टॉकिंग की गई और उसका प्राइस लगभग 200 के आसपास अराउंड था। टोटल इनपुट कॉस्ट जो मिला आपको
उन्होंने देखा कि 8200 मिल रहा है, जबकि उसमें कंट्रोल में 4600। यहाँ पे जो स्टार मार्क है दैट इंडिकेट्स कि आपका जो लेबर चार्जेस हैं, तो लेबर्स को क्या क्या चीजें करनी पड़ रही है। मखाना के जो सीडलिंग है उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है, मखाना के लीव्स कटिंग्स, हार्वेस्टिंग करना, मखाना का क्रॉप्स, पॉप का प्रिपरेशन, यानी जो मखाना का जो पॉपिंग करते हैं, यानी कि उसको जो पॉपकॉर्न की तरह जो फुटाते हैं वो, नेटिंग ऑफ द फिशेस, ये सारी चीजें जो लेबर, इसके लिए जो लेबर्स की जरूरत होगी तो उसके क्या चार्जेस हैं, दैट विल इंक्लूड ये जो सिंगल स्टार है। एंड डबल स्टार मीन्स यहाँ पे जो है आपका इसके साथ साथ इंक्लूडिंग नेटिंग, प्री स्टॉकिंग एंड हार्वेस्टिंग कंट्रोल पॉन्ड में, ठीक है। ये चीजें आपको समझने के लिए दी गई है, ठीक है। एक मिनट now input cost and net benefit of the experimental pond and control pond, ye ho gaya experimental pond, control pond, input lagbhag 8200 cost ke hisab se and ye 4600 quantity fish jo aapko mili experimental pond mein, theek hai, wo 852 aur control pond mein 777। मखाना, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंटल पॉन्ड में, कंट्रोल पॉन्ड में आप सिर्फ फिश कल्चर कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल पॉन्ड में जो है आप फिश कम मखाना कल्चर कर रहे हो, यानी फिश के साथ आप मखाना भी कर रहे हो, तो आपको फिश तो मिल ही रही है सब ज्यादा, और इसके साथ साथ आप मखाना जो पॉप कर रहे हो 200 उसका, तो आप सोच सकते हो उसका जो ग्रॉस इनकम आ रहा है, ठीक है, 852 जो फिशेस आपके मिली क्वांटिटी में, केजी 852 केजी फिशेस का आपको दाम लगभग 34,080 मिला, और यहाँ पे जो 777 केजी आपको फिश मिली कंट्रोल पॉन्ड में, जिसमें आपने सिर्फ फिश कल्चर किया था, उसमें 31,080 इतना रुपीज आपको मिलता है, और इसमें 200 क्योंकि हम मखाना भी कर रहे हैं तो मखाना की भी प्राइस आपको ऐड होगी, तो वो 16,000। आप सोच सकते हो कि इसमें जो एक्सपेरिमेंट पॉन्ड आप जो कर रहे हो उसमें आपको मखाना प्लस फिश का दोनों का प्रॉफिट मिला करके 41,880 रुपीज का फायदा होता है, जबकि सिंपल आप जब फिश कल्चर कर रहे होते हैं तो उसमें 26,480। तो आप देख सकते हो इस हिसाब से कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ कैलकुलेटेड नेट प्रॉफिट पर हेक्टेयर एक्सपेरिमेंटल पॉन्ड 1,47,000 और कंट्रोल पॉन्ड में 66,200। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मखाना कल्चर, अगर हम सिर्फ फिश कल्चर करते हैं तो कितना बेनिफिट मिलता है, और मखाना कम फिश कल्चर करते हैं तो कितना बेनिफिट मिलता है। उसमें सिर्फ फिश का बेनिफिट मिलता है, इसमें फिश की जो ग्रोथ होती है, नंबर जो होता है वो भी, मोर्टेलिटी सर्वाइबिलिटी कम होती है, मोर्टेलिटी कम होती है, सर्वाइबिलिटी ज्यादा होती है, नंबर ऑफ फिशेज ज्यादा मिलते हैं, इसके साथ साथ मखाना भी मिलता है, तो आपको डबल प्रॉफिट हो रहा है, इस हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ कंक्लूजन ऑफ द इंटीग्रेटेड फिश कल्चर कम मखाना मींस, यानी कि आप जो फिश के साथ साथ मखाना कल्चर करते हो तो उसका क्या कंक्लूजन निकलता है। इंटीग्रेटेड फिश कल्चर विद मखाना इज द मोस्ट इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ अ पॉन्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ ट्रू टू क्रॉप फ्रॉम द सेम पॉन्ड, यानी कि आप एक पॉन्ड के जरिए दो क्रॉप को आपको मिल रहा है, एक तो मखाना मिल रहा है, दूसरा फिश मिल रहा है, तो आपको मतलब डबल बेनिफिट हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ आइदर ऑफ द टू क्रॉप, यानी कि मान लीजिए बाई चांस आपने एक सेम पॉन्ड में दोनों क्रॉप किया, किसी एक में अगर फेलियर हो जाता है, यानी मखाना आप में उसमें कीड़े लग जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, वो ग्रोथ नहीं हो पाता, तो फिश के थ्रू आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए फिश पूरी तरह से उसमें बेनिफिट नहीं मिल पाया, ठीक है, उतनी अच्छी तरह से सेलिंग नहीं हुई है, जो भी रीजन है, ग्रोथ अच्छा नहीं हो पाया जो भी, तो मखाना के थ्रू आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो कोई एक क्रॉप अगर फेलियर भी करता है तो दूसरा आपका जो है आपको जो है पूरा पूरी तरह से नुकसान होने से बचाता है, ठीक है। दिस फर्दर इनहेंस द एक्वेटिक प्रोडक्टिविटी, जब आप ये दोनों को साथ में कल्चर कर रहे होते हो तो वह एक्वेटिक प्रोडक्टिविटी जो है उसको इनहेंस करता है, उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करता है, जो फिश फार्मर्स है उसको इकोनॉमिक स्टेटस को भी बढ़ाता है, रेज करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, इंप्रूव करता है, यू कैन से दैट। नाउ इन सच सिस्टम, ये जो इंटीग्रेटेड फिश कल्चर विद मखाना जो है, ये इसमें क्या होते हैं, दोनों यानी फिश और मखाना एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट पहुंचाते हैं, एक दूसरे को
फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, मखाना प्लांट क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सुटेबल सबस्ट्रेटम प्रोवाइड करता है, जिसपे जो है आपका प्लांटन्स, ये पेरीफाइटन, उस दिन मैं वो वर्ड भूल रही थी, दैट इज द पेरीफाइटन। ओके, प्लांटन्स एंड पेरीफाइटन उसको एक सबस्ट्रेटम प्रोवाइड करता है जिसपे वो अपना ग्रोथ कर सके, अपना रिप्रोडक्शन करके तादाद, अपना नंबर जो है वो बढ़ा सके। ठीक है, और इसी प्लांकटन या पेरीफाइटन को फिश खाती है। This also provide a safeguard against the poaching of the fishes. क्योंकि जब हम फिश कल्चर के साथ मखाना कर रहे होते हैं तो मखाना के जो लीव्स वगैरह काफी ज्यादा स्प्रेड होता है, तो वो जो है एक तरह से सेफगार्ड की तरह काम करता है, वो फिश को हाइड करने में हेल्प करता है। तो जो मछली की चोरी होती है ना, वो उसमें एक तरह से सेफगार्ड, उसमें वो एक तरह से जो रेस्ट्रिक्शन पैदा करता है। तो जो पोचर्स होते हैं, जो चोरी करने वाले होते हैं, उनको डिफिकल्टी होती है ऐसा, मतलब पूरी तरह से, क्योंकि ओपन सिर्फ पॉन्ड है, सिर्फ मछली दिख रही है, विजिबल हो रहा है, तो उसको आसानी से वो पोच कर सकता है, मतलब चोरी कर सकता है। लेकिन इसमें उसको, क्योंकि वो जब भी पकड़ने जाएगा तो वो हाइड करने की कोशिश करेगी, तो मखाना का जो प्लांट है उसमें वो आराम से हाइड कर जाती है, तो एक तरह से वो सेफगार्ड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, ये जो वर्मा साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1995 में ये स्टेटमेंट भी दिया था। ठीक है, इस तरीके से वो जो है बेनिफिट पहुंचाता है। और क्या होता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, जो आपके ये जो मखाना के लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, ये रूट्स है, जो भी है, डिकम्पोज हो जाता है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर में डेवलप हो जाता है। और ये क्या करता है, एक्वेटिक फूड चेन को और इनहेंस करता है, और ज्यादा उसको जो है मतलब एक तरह से इनरिच करता है, और अच्छे तरह से उसको सपोर्ट करता है, इंक्रीज करता है फूड, एक्वेटिक फूड सिस्टम को। ठीक है, थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ प्लैंकटन, इंसेक्ट्स, नेमाटोड्स, गैस्ट्रोपोड्स, जो कि एक तरह से नेचुरल फिश फूड ऑर्गेनिज्म है, इन सब का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, और इन सारी चीजों को फिश क्या करती है, एज अ लाइव फूड ऑर्गेनिज्म की तरह वो कंज्यूम करती है। इन रिटर्न क्या होता है, जो फिशेज के जो फिकल मैटर होते हैं वो जाकर के पॉन्ड में ऐड होते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं, और इसी न्यूट्रिएंट को, जैसे कहते हैं ना, मतलब अमोनिया, फीकल मैटर से अमोनिया डेवलप हुआ, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, और यही नाइट्राइट होगा अमोनिया डेवलप होगा, अमोनिया से अमोनिया का फिर नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया नाइट्राइट, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी, और यही नाइट्राइट को लेकर, नाइट्रेट को लेकर के जो ये मखाना प्लांट्स है, ये अपना फिर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वगैरह जो भी है वो करेगा। ठीक है, ग्रो करेगा। दिस फिशेज फीड अपॉन द इंसेक्ट, और इसके साथ साथ कैसे एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, जो फिशेज हैं जिसको आपने मखाना के साथ कल्चर किया, तो ये बहुत सारे इंसेक्ट्स जो कि मखाना को नुकसान पहुंचाते हैं उनको ये फीड करते हैं, जैसे यू इलोफिला स्पीशीज हो गया, प्लिया हो गया, गैली रूसेला हो गया, फ्रेंकिनेरिया हो गया, ये सारे जो है स्पीशीज आपके पेस्ट के, ये मखानों को हार्म करते हैं, और सीवियर पेस्ट होते हैं। ठीक है, और इसको ये फिश खा करके इस तरह से मखानों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दिस सिस्टम ऑफ इंटीग्रेशन इफ अडॉप्टेड एट लार्जर स्केल बाय द फिश फार्मर वुड हेल्प गेटिंग अ बेटर प्रोडक्टिविटी इन द एक्वाटिक सिस्टम ऑफ नॉर्थ बिहार। अगर ये फिश कम मखाना कल्चर अगर वो करते हैं फिश फार्मर्स, खासकर जो नॉर्थ बिहार के, तो उनको बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी मिलेगा। जस्ट अ सेकंड, हां नाउ ये तो हो गया अभी तक मखाना के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा मखाना के बारे में, नाउ हम पढ़ेंगे आपका जो वाटर चेस्टनट है, जिसको हम ट्रापा बेस्पिनोसा या फिर ट्रापा नेटेंस भी बोलते हैं, और उसको वाटर क्या, एक मिनट, जस्ट सेकेंड, एक मिनट, जो है आपका जो पानी सिंघाड़ा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ट्रापा बिस्पिनोसा, जिसको हम वाटर चेस्टनट भी बोलते हैं, कॉमन नेम है, इज एन एनुअल फ्लोटिंग लीव्स
एक्वेटिक प्लांट्स है जो कि आपका फ्रेश वाटर वेटलैंड लेक्स पॉन्ड या स्लगिश जो आपका ये वाटर बॉडीज है ठीक है रिवर्स वगैरह के जो वैसे पोर्शन जो थोड़ा स्लगिश हैं इंडिया में वैसे एक्वाटिक वाटर बॉडीज में जनरली ये जो वाटर चेस्टनट है उसका कल्टीवेशन करते हैं ठीक है. ट्रापा बिस्पिनोसा जो है एक तरह से एक्वाटिक फ्लोटिंग हर्ब्स है जो की फैमिली ट्रैपेसी से बिलोंग करता है. इट हैज फ्लेक्सुअस स्टेम होता है असेंडिंग इन द वॉटर एंड द सबमर्ज पार्ट जो होता है आर फर्नेस्ड विद न्यूमरस अपोजिट पेयर ऑफ ग्रीन रूट लाइक स्प्रेडिंग पेक्टिनेट ऑर्गन ठीक है. लीव्स आर अल्टरनेट क्रॉडेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम 3.8 से लेके 5 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है रोम्बॉइड शेप का होता है समवॉट tourniquet at the base, irregularly incisio serrate, reddish purple beneath. ये completely उसके lips के बारे में है. Petiole dilated near the apex. Flowers जो होते हैं इसके white color के pure white color के होते हैं. Auxiliary solitary होते हैं. बहुत ही कम होते हैं compared to. Fruits जो है वो ovoid shape के होते हैं. Angular कह सकते हो. 2.2 से 5 centimeter long के होते हैं. Broadness भी होती है. With स्प्रेडिंग फ्लैटेंड वेरी शार्प स्पाइन होते हैं उनके हॉर्न टाइप के ठीक है. आइदर साइड में आप इस तरीके से देख सकते हो ये इसके प्लांट्स पार्ट है ठीक है. एंड दिस इज द फ्रूट पार्ट्स ठीक है. इसके जो हर एक कॉर्नर पे एकदम हॉर्न स्पाइनस जो रहते हैं वो इस टाइप के कुछ पर्पल कलर के कुछ ग्रीन कलर के इस टाइप में सभी ने देख रखा है और सभी ने खाया भी होगा ठीक है. नाउ इसका ट्रापा का ठीक है ट्रापा नेटन्स इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किंगडम जो है आपका एक मिनट जस्ट अ सेकेंड किंगडम प्लांटी से है. क्लेड ट्रैकियोफाइट्स अगेन क्लेड्स एंजियोस्पर्म फैमिली से है. यूडिकॉर्ड्स यानी कि ये यूडिकॉर्ड्स कुछ नहीं डाइकॉर्ड्स के ये प्योर फॉर्म है डाइकॉटिलेडंस के जिसमें आपके टू सीड होते हैं. एंड रोजीड फैमिली जो होते हैं जनरली फ्लावरिंग फैमिली को कहते हैं ठीक है. ऑर्डर हो गया मारिटल्स फैमिली हो गया लाइथ्यूरेसी सब फैमिली ट्रैपोइडी जीनस ट्रापा स्पीशीज नेटन्स ट्रापा नेटन्स या ट्रापा बाइपिनोसा जो बोलते हैं बिस्पिनोसा सॉरी बाइपिनोसा नहीं बिस्पिनोसा वॉटर चेस्टनट्स और ट्रापा बिस्पिनोसा इज पॉपुलरली नोन एज जिसको हम हिंदी में सिंघाड़ा कहते हैं या पानीफल कहते हैं. इंडिया में जनरली ये मध्य प्रदेश यूपी बिहार उड़ीसा वगैरह में कल्चर किया जाता है. ये एनुअल फ्लोटिंग लीव्स है एक्वेटिक प्लांट्स है जो कि टेम्परेट या ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर बॉडीज में जैसे वेटलैंड रिवर लेक्स पॉन्ड या एस्चुरी में जो है जनरली ग्रो कराया जाता है ठीक है. इट इज इसे कहा जाता है कि इट इज अ नेटिव क्रॉप ऑफ यूरेशिया यूरेशिया यानी यूरोप एंड एशिया का जो पार्ट है उसमें एंड अफ्रीका वेयर इट इज कल्टिवेटेड फॉर इट्स लार्ज न्यूट्रिटियस सीड के तौर पे इसे कल्टिवेट किया जाता है लाइक फॉक्स नट यानी मखाना के तरह. इसके भी जो कल्टिवेशन में जो डेप्थ की रिक्वायरमेंट है दैट इज 0.3 to 0.6 मीटर डेप्थ की जरूरत होती है थ्रू आउट इट्स ग्रोथ पीरियड ठीक है. इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई टू नवंबर एवरी ईयर और इसका जो आपका इसका जो जब आप ग्रोथ करते हैं उसका जो प्लांट पार्ट है वो एक तरह से फाइटो मास के तरह मतलब उसका जो प्रोडक्शन होता है दैट इज 1 to 15 टन पर हेक्टेयर ठीक है. और जो आपका फ्रूट्स जो पार्ट है दैट उसका जो प्रोडक्शन होता है दैट वेरीज फ्रॉम 1 to 6 टन पर हेक्टेयर ठीक है. फाइटो मतलब हो गया क्या वेजिटेटिव पार्ट जो हो गया ठीक है. मास मतलब उसका जो बायोमास हो गया दैट इज वॉटर चेस्टनट जिसको हम सिंघाड़ा पानी सिंघाड़ा कहते हैं इज वन ऑफ द फ्यू नेग्लेक्टेड
कह सकते हो, बट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एक्वेटिक क्रॉप है जिसको डिफरेंट पार्ट्स इंडिया के डिफरेंट पार्ट में ग्रो किया जाता है. इट इज अ नेचुरल क्रॉप इन द एरिया वेयर वाटर स्टैग्नेशन, जहां पे आपका वाटर का जो स्टैग्नेशन होता है ग्राउंड से, ग्राउंड के एवब जो है वो एग्जिस्ट करता है लगभग आपका 6 महीने तक या उससे ज्यादा. ऐसा एरिया जहाँ पे आपका पानी ग्राउंड लेवल से एवब जो है स्थिर अवस्था में जो कहिए 6 महीने तक या 6 महीने से ज्यादा, जो है साल के 6 महीने से ज्यादा अगर रहता है, तो वैसे एरिया को यूज में लाया जाता है इस वाटर चेस्टनट के ग्रोथ के लिए. ठीक है, यह कह लीजिए कल्टिवेशन के लिए. द 8 मिलियन हेक्टेयर सैलो लो लैंड इकोसिस्टम इन द लो लाइंग एरियाज ऑफ द कंट्री, आपका जो कंट्री का जो लो लाइंग एरियाज है उसमें 8 मिलियन हेक्टेयर जो सैलो एरिया है उसमें से 5.8 मिलियन हेक्टेयर जो ईस्टर्न रीजन में है, ईस्टर्न इंडिया में, वो कहा जाता है कि आइडियल इन्वायरमेंट है इस क्रॉप के लिए, एक कल्टिवेट करने के लिए और इस क्रॉप की कल्टिवेशन के लिए या इसके लिए जो ग्रोथ कहिए क्रॉपिंग के लिए एक तरह से आइडियल इन्वायरमेंट है, खासकर जो खरीफ सीजन में जो कहते हैं. खरीफ सीजन कब से कब तक होता है बताओ कोई? खरीफ सीजन कब से कब तक होता है कोई बोलो? खरीफ सीजन कब से कब तक होता है? कुछ खरीफ क्रॉप के नेम बताओ कोई तो बोलो. मैम जुलाई से अक्टूबर. जुलाई से नवंबर, नॉट अक्टूबर. ठीक है, राइस मेज कॉटन ये सारे खरीफ क्रॉप है. तो खरीफ सीजन के समय ये जो कहा जाता है कि ये जो एरिया है बहुत ही आइडियल इन्वायरमेंट है कल्टीवेशन के लिए या कह लो क्रॉपिंग के लिए आपका वाटर चेस्टनट का. ठीक है, ड्यू टू इट्स एक्वेटिक हैबिटेट क्रॉप हैज रीसकरेक्शन एबिलिटी डिस्पाइट एक्सपोजर टू ब्रीफ सबमर्जेंस और फ्लैश फ्लड. मतलब ये ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ की काफी फ्लड वगैरह भी आता है, फ्लड जोन एरिया में भी किए जाते हैं तो काफी फ्लड वगैरह भी आती है. तो इस क्योंकि इसका एक्वेटिक हैबिटेट है तो इस क्रॉप में रीसकरेशन एबिलिटी है, यानी कि अगर एबनॉर्मल कंडीशन है तो उसमें फिर भी ये क्षमता है कि वापस से जब ये पानी के कॉन्टैक्ट में आएगा या इसके अकॉर्डिंग जो सुटेबल एनवायरमेंट है उसके कॉन्टैक्ट में आते ही, पानी के कॉन्टैक्ट में आते ही ये फिर से जर्मिनेट करके फिर से ग्रो करता है. ठीक है, इसमें ये एबिलिटी है इस क्रॉप में. द क्रॉप ग्रेजुअली एडजस्ट इटसेल्फ विद द राइज इन वाटर लेवल टू कीप इट्स लीफ क्राउन अपफ्लोट. ये पूरी तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वाटर का जो लेवल है वो राइज कर रहा है कि फॉल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को एडजस्ट करके अपने लीव्स को इस कंडीशन में रखता है कि वो पूरी तरह से फ्लोटिंग कंडीशन में रहे. ठीक है, दिस मेक्स द क्रॉप फ्लड रीसाइलेंट स्पेशली इन द लो लाइंग एरिया. इसी वजह से ये क्रॉप फ्लड रीसाइलेंट कहा जाता है और खासकर जो लो लाइंग एरियाज में है उसमें. ठीक है,